तरह से रसमानी शाह से मिला, इज्जत प्यार मिली, बिल्कुल जो नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान दिखाया था बिल्कुल वही इज्जत और प्यार यहाँ से नहीं मिला। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जिस कश्मीर को खून से सींचा दम दियो तेज सारे खुद ज्यादा कुर्बानी दम चुआ गुमत जन चो मजार मे छम कथ करू जुलमस खिलाफ जबरस खिलाफ लड़ो आज आज बचू आज त्री प्रेशर कुकर वोट आज चो तय पाई असेंबली इलेक्शन के गसन वेल मे ज्यादा कथ कर मगर पाई छू पत्म सतन वर्य पे सान रीजनल पार्टी चाहे तथा एन सी पी डी पी या बे कमत सर्वो कर् हमेशा इस्तेसाल जुलम जबर ज्यादती प्रत कुन शहर मज प्र गामस मज प्र कस्बस मज चीज कमो कर कब्रस्तान आबाद शायद अस आज त्रे हाथ सत्त इत पुत इत पे स्टेट हुड इत पे मगर हमेशा दारजोर सू गाम आज पी एस ए यू ए पी ए लुकन लगान वो वक्त आमुत तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस तुम पी डी पी तुम कांग्रेस तुम बी जे पी ततन वर्यन कोर इन सारे पे भरोस सत्तन वर्यन हूं भरोस हमो फुटो वो आज सोन बामीर लीडर उनके जेलस मज पांचों वर्यो पे मेंबर पार्लियामेंट बनो यम खानदान दफन कर खानदानी राज दफन कर् अगर तमिस कॉम्प्रोमाइज आशा करुन सो आशा आज बीजेपी गवर्नमेंटस में कैबिनेट मिनिस्टर सो आशा जेलस में कह सो कर पांचन वर्यन कित पे उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनो कित पे महबूबा मुफ्ती जी इन सर कुर्बानी दिनस तैयार रात तुम वन अगर ने हाथ सत्त वापस यी अस लड़ो ना इलेक्शन कह मगर कालो काल बदलो पी एच डी डी वीज तक ये लड़ाई मैंडेटन लड़ाई मिनिस्ट्रियन लड़ाई किरदार वलिस नफर मदद कर शाम बिहन इन कैंडिडेटन इन लीडरन कैरेक्टर वन पुन इंजीनियर रशीद सोबन कैरेक्टर कैंपेन को लेके और उम्मीद है कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट दिया और आपने खुद देखा कि किस तरह लोगों का रुझान अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ है और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इंतखाबात होने वाले असेंबली के जब 18 तारीख को साउथ कश्मीर वोट करने के लिए निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स को ही कामयाब करेंगे क्योंकि जुल्म सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुआ इस्तेसाल सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं हुआ यह हर जगह पे हुआ साउथ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर और आज लोगों ने यह ठान लिया है कि उन्हें इस बार इंजीनियर रशीद साहब का साथ देना है जी देखिए बिल्कुल ये मेरा जमहूरी हक है मैं वोट भी डाल सकता हूँ मैं कंपेन भी कर सकता हूँ और मैं आज एज वॉलंटियर जो है वो कंपेन कर ले जा रहा हूँ जैसे ये बाकी नौजवान आप देख रहे हैं ये रैली में जुड़ रहे हैं अपना वोट डालते हैं कल तो मेरा भी वो हक है मैं भी अपनी पार्टी के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए वो कंपेन कर सकता हूँ और अपना वोट डाल सकता हूँ तो लिहाजा अगर किसी को मेरे बाहर होने से प्रॉब्लम है तो होने दो मुझे उससे कोई गरज नहीं है मुझे जब मन होगा मैं तब कॉलेज चला जाऊँगा जब मुझे अपने वालिद साहब कहेंगे कॉलेज जाने के लिए मैं तब जाऊँगा अभी ये मजबूरी है वो भी जेल में और अगर मेरे से कुछ हो सकता है अपनी कौम के लिए अगर कुछ कर सकता हूं मेरी जान भी चली जाए तो मैं हाजिर हूं अगर मुझे इसके लिए एक महीने के लिए दो महीने के लिए कॉलेज भी ना जाना पड़े तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आज कौम जाग जाती है कौम एक इनकलाब लाती है अगर मेरा भी कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है तो मुझे बिल्कुल फख्र होगा उससे।